तो फ्रेंड्स हमने दिखाया आपको ये गंगौर घाट के व्यूज़ और बागौर की हवेली। अभी यहाँ से चलते हैं फतेहपुर सागर लेक और पिचोला लेक का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से दिखाएंगे आपको और सिटी प्लेस भी जाएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ तो बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ से व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। अभी आगे फतेह सागर लेक जाते हैं और वहाँ देखते हैं कैसे व्यूज़ आएंगे। ये देखिए, ये है जगदीश टेम्पल, ये बहुत बड़ा टेम्पल है यहाँ पर ये, और इस चौराहे का नाम भी जगदीश चौराहा। यहीं से लेक पिचोला के लिए रास्ता और सिटी प्लेस के लिए रास्ता है पीछे की साइड से ही। अभी हम आगे जा रहे हैं फतेहपुर सागर लेक, फिर ये रिटर्न वापस होते हैं, मैं दिखाएंगे आपको जगदीश टेम्पल और पिचोला लेक। थैंक्स ब्रो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप राइट साइड में कितनी सारी शॉप्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और ये लेक बहुत बड़ी है अभी। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आप बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, जैसे कि मनाली वगैरह या हिल स्टेशन पर मिलती है, वैसे तो दिल्ली वगैरह भी मिलती है, बट इतनी कॉमन जितनी मनाली वगैरह में हिल स्टेशन है इतनी सिर्फ मैंने यहीं देखी है यहाँ पर, फतेह सागर लेक के लिए 1.5। और बाकी वापस आएंगे हम यहीं से, ये कुछ गेट बना हुआ है। ये देखिए इस ब्रिज पर हम चढ़ गए, जो ब्रिज अभी आपको दिखाई रहे थे ये। अरे लेक बहुत बड़ी है और इधर भी बहुत है, ये बार बार इसके ऊपर ना थोड़े थोड़े दूर पर ये ब्रिज टाइप के बने हुए हैं। अरे ये देखिए क्या गजब का व्यू आ रहा है यहाँ से। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं फतेहपुर सागर लेक। तो ये देखिए ये लेक कह रही है, और यहाँ से वोटिंग होती है, ये वोटिंग एरिया का पॉइंट है, यहाँ पर टिकट घर है, तो यहाँ से टिकट वगैरह ले रहे हैं, बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्राउड है तो टिकट मिल नहीं पा रहा है। एक्चुअली हमें टिकट की बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं, शायद दूसरा भी टिकट का कोई पॉइंट होगा, वोटिंग पॉइंट होगा, वहाँ से टिकट लेंगे और वहाँ से करेंगे वोट। यहाँ लग रही है चौपाटी फतेहपुर सागर पे। तो ये देखिए राइट साइड में काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई हैं, यहाँ खाने पीने की आपको काफ़ी वैरायटी मिलेंगी राइट साइड में, मेरे काफ़ी लंबी दूरी तक लगी हुई हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये फतेह सागर लेक बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे लगा था पिचोला बड़ी है, लेकिन ये पिचोला तो ज़्यादा बड़ी लग रही है। ये लास्ट मार्क उस साइड से आ रहे थे तो पूरा लास्ट मार्क है, यहाँ पानी की काफ़ी बड़ी है और बिल्कुल लेक के साथ साथ है। ये देखिए वेव्स कितनी खतरनाक आ रही हैं, देखिए क्योंकि बीच में वोटिंग हो रही है ना, तो इस साइड में ऐसे ही वेव्स आएंगी। और वोटिंग इसमें दो जगह आ रही है, दो वोटिंग पॉइंट है इसमें, दोनों मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, दोनों वोटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर। और ये कुछ इसमें आइलैंड बने हुए हैं, ये देखिए एक और एक नेहरू आइलैंड है और एक दूसरा आइलैंड का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या था। तो काफ़ी अच्छा व्यू है और वेदर एकदम गजब का हो रहा है, मज़ा आ रहा है वेदर में। तो ये देखिए आप बादल देख सकते हैं ऊपर, क्लियर नहीं है मौसम बिल्कुल, लेकिन अच्छा बहुत ठंडा है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। यहाँ वोटिंग का चार्ज जो है फ्रेंड्स वो 118 रुपये का मोटर वोट का है और स्पीड वोट का यहाँ 250 रुपये पर पर्सन है। टिकट में ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और जो स्पीड बोट थी वो बहुत फास्ट चलती है, लेकिन उसका ना टिकट नहीं मिला हमें क्योंकि उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो आज इससे ही काम चला, हम
पहुंच चुके हैं अभी सिटी प्लेस। तो ये है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सिटी प्लेस, ये बिल्कुल जगदीश टेंपल के बराबर में, नीचे जगदीश टेंपल है और ये सिटी प्लेस है। तो फ्रेंड्स ये हमने कर लिया पिछौली लेक की एंट्री, ये देखिए इसका 30 रुपये का टिकट है। अंदर की तरफ जा रहे हैं, पिछौली लेक की तरफ देखते हैं पिछौली लेक के व्यूज़ कैसे होंगे। फतेह सागर लेक तो देखा है और अब पिछौली लेक देखेंगे। ताज पैलेस और पिछौली लेक दोनों सेम ही जगह है, सिटी पैलेस और पिछौली लेक सेम ही जगह है। टिकट लेने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे और ये देखिए सामने यहाँ से एंट्री पॉइंट है ये रहा। देखिए यार ये ट्रेन, ये होगी बच्चों की, बच्चे भी बड़े भी इसमें नीचे से आ रही है अभी, तो ऊपर वापस जाने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड्स ये है यहाँ का वोटिंग एरिया, यहाँ साइड से देखिए यहीं से बैठ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, और ज़्यादातर यहाँ पर स्पीड बोर्ड नहीं है ये देखिए। और यहाँ पे वोटिंग का जो चार्ज है वो 500 है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू फतेह सागर लेक। वहाँ पर ऑलमोस्ट 250 का था टिकट और नॉर्मल वाली वोट का था वहाँ 118 का, जो कि यहाँ पर है यहाँ 500 का टिकट। ये वाली जो वोट है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इसमें मज़ा नहीं आया, तो हमने इसी में वोटिंग की क्योंकि उनका तो हो गया था ओवर। फतेहपुर सागर तो वो वाली वोट सारी ना फुल हो गई थी, हाउसफुल थे और टाइमिंग थी नहीं, एक एक 1.5 घंटे की वेटिंग थी, दोनों ने वो ब्लॉक कर दिया था। हमने सोचा 1 घंटे की वेटिंग पे भी हम ले लेंगे, लेकिन वो ब्लॉक कर दिया था। वहाँ पर हमने फिर वोट ली नहीं, हमने नॉर्मल वाली वोट ले ली मोटर वोट, और उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोटिंग के लिए जो एंट्री पॉइंट है यहाँ सामने से गेरा, और ये सब वेटिंग एरिया है। ये देखिए यहाँ से बैठ रहे हैं वोटों में, और ये कुछ इधर गार्डन सा बना हुआ है एकदम। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गार्डन, और ये मैंने आपको दिखाई लेक मेरे लिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो पता सागर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्थर को लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।